क्रिसमस के बाद रॉ के सुपरस्टार्स का लाइव इवेंट लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में देखने को मिला। ये जगह जैक राइडर का होम टाउन है, लेकिन वो स्मैकडाउन के स्टार है जिसके कारण उन्होंने शिरकत नहीं की। इस लाइव इवेंट में कई चैंपियनशिप मैच देखने को मिले, जबकि मेन इवेंट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। रॉयल रंबल और रेसलमेनिया को देखते हुए अभी सारे लाइव इवेंट्स हो रहे हैं। अगले साल 2018 में 28 जनवरी को रॉयल रंबल होने वाली है। चलिए नजर डालते हैं न्यूयॉर्क में हुए लाइव इवेंट रिजल्ट्स पर। वोकन मेट हार्डी ने ब्रे वायट को हराया। कार्ल एंडरसन, ल्यूक गैलोज और इलायस के बीच एक सेगमेंट देखने को मिला। बेली, साशा बैंक्स, मिकी जेम्स का मैच टीम एबसोल्यूशन के खिलाफ हुआ, लेकिन पेज को मैच के दौरान चोट लगी जिसके बाद मुकाबले को रोक दिया गया। टाइटस वर्ल्ड वाइड गोल्डस्ट, हीथ स्लेटर, राइनो ने द मिजिटुराज, द रिवाइवल और कट हॉकिंस को हराया। WWE क्रूजरवेट चैंपियन एंजो अमोरे ने कलिस्टो के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड किया। समोआ जो ने फिन बैलर को हराया। सेथ रॉलिंस और जेसन जॉर्डन ने द बार को हराकर रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप को कायम रखा। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने बड़े दुश्मन किंग को हराया। शो के मेन इवेंट मैच में WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रोमन रेंस का सामना जॉन सीना के साथ हुआ। इस मैच में रोमन रेंस की जीत हुई।